सो गाइस बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ चुका एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और हाउ टू एक्चुअली ड्रॉ ए रियलिस्टिक पोर्ट्रेट लाइक दिस, इस टॉपिक के ऊपर आज मैं ए टू जेड बहुत डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा वॉच कर लेते हो ना, तो आपका ड्रॉइंग लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो में मैं सारे बेसिस को कवर करने वाला हूँ और बहुत सारा छोटा छोटा टिप्स देने वाला हूँ, जिनको कि आप अगर फॉलो करोगे तो आपका ड्राइंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, असल में बिजी था ड्राइंग में, तो प्लीज़ गुस्सा मत करना और बहुत ज़्यादा प्यार देना इस वीडियो में। हाँ, सो गाइस इस वीडियो में अगर आपने प्यार दिखाया तो मैं आउटलाइन के ऊपर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। मैं पहले ये ड्राइंग को कर रहा था, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर सुइटेबल नहीं है, तो मैं इन दूसरा आउटलाइन ड्रॉ किया और फिर से दोबारा से ड्राइंग को स्टार्ट किया। चलो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ये वाला पोर्शन जो आपको देख रहे हो वो है बेस टोन, उसके बाद ये वाला पोर्शन को बहुत सारा लेयर दे के हमको कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका ड्यूटी होता है बेस टोन ढूंढना, तो लाइट टोन या फिर बेस टोन ढूंढने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा टोन देके रेफरेंस को ऑब्जर्व करके जहाँ जहाँ पर भी आपको डार्क एंड शेडो दिखेगा उसको आपको ऑप्ट करना है। तो रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए एक अच्छा पेंसिल बाय कर लेना, आर्ट लाइन का ये वाला पेंसिल आप ज़रूर से बाय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चीप है। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसी टिप्स को फॉलो करते हुए मैं लाइट टोन से पहले शेड कर दिया, उसके बाद मैं डार्क टोन से थोड़ा थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ। देखो उसके बाद भी हमारा ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाता है। लाइट टोन को देने के बाद उससे थोड़ा सा डार्क टोन जो हमको दिखता है वो टोन को पहले ऑप्ट करना होता है, उसके बाद उससे भी थोड़ा सा जो डार्क टोन हमको जहाँ जहाँ पर दिखता है, सब जगह पर नहीं, वो सारे जगह पर हमको अप्लाई करना पड़ता है टोन को। तो इससे फोटो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। एक बार आप अप्लाई करके तो देखिए, आपका कंप्लीट करने का इंटेंशन अगर छोटे छोटे जगह पर होगा तो आपका ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगना ही पड़ेगा। और लिप्स एंड आई में ऐसा कोई टिप्स तो नहीं है, आपको रेफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और जहाँ पर भी आपको जहाँ जो जो चीज़ दिखे वो सारे एलिमेंट्स को ऐड करते रहना है और बहुत ज़्यादा टाइम लेना। मैं कह रहा हूँ रेफरेंस में आपको जो कुछ भी दिखे बस शेडिंग करते रहो, ब्लेंडिंग में ज़रा सा भी फोकस मत करना। और ये इंटेंशन मन में कभी भी नहीं रखना कि ये वाला पार्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, बहुत बारीकी से बहुत धीरे धीरे करना। और मैं हेयर के बेस शेड के लिए तो HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और आप 2B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने दिखाया HB पेंसिल से हेयर का डायरेक्शन फॉलो करके मैं स्ट्रोक दे दिया, उसके बाद उससे थोड़ा डार्क पेंसिल यानी कि 2B पेंसिल और 4B पेंसिल से स्ट्रोक मारने के बाद मैं 10B पेंसिल से एकदम फाइनल डार्क पोर्शन को अप्लाई कर दे रहा हूँ। एक ड्राइंग करने में आपको जितना टाइम लगता है ना, वो टाइम को बढ़ा दो। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, बढ़ा दो। उसके बाद आपको अगर लगे बोरिंग भी लगे, फिर भी आप बैठे रहो ड्राइंग टेबल के सामने और देखते रहो क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, और रेफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते रहो, तो देखना आपका क्वालिटी कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप टाइम लगाओ, ज़बरदस्ती टाइम लगाओ, अभी तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और हाँ, ऐसा डिटेल्ड काम यानी कि ज्वेलरी हो गया यह सब काम करने के टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब ऑर्नामेंट में काम करता है तो डिटेलिंग में ज़्यादा फोकस करता है और लाइट एंड शेडो को भूल जाता है। आफ्टर 12 आवर्स में फाइनली माई ड्राइंग इज कम्प्लीटेड, इन्जॉय द फाइनल रिजल्ट। और हाँ, आप अगर हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना।